So namaste and welcome back to my channel. My name is Mo and I hope you all are doing well. So guys, agar aap mere channel mein new hai, then don't forget to like, share and subscribe to my channel. And love you all guys for watching me and supporting me so much. So without wasting much more time, let's start with the video. And aaj ka video main kuch product li thi, essential oil. Aap mein se bahut logo ko essential oil ke bare mein pata hoga. Jin logo ko nahi pata hai, unko batana chahungi ki essential oils are a kind jahan pe oils jo hote bilkul they are on their purest form and they are like undiluted, theek hai. To aap जब ये oils इस तरह से सबसे पहले किसी भी carrier oil के साथ dilute करके then अपने skin या hair में लगाना है. So बहुत सारे essential oil मिलते हैं market में अगर आप search करेंगे और उन्हें अपने कुछ purpose है कि कोई hair के लिए है, कोई आपके skin के लिए है, कोई आपके nails के लिए है. So there are many essential oils in the market. So फिलहाल मुझे मेरे hair के लिए चाहिए था क्योंकि अभी चल रहा है monsoon और monsoons में बहुत ज़्यादा hair fall होते हैं. मुझे तो खासकर बहुत ज़्यादा होता है. मुझे लगने से भी बहुत सारे मेरे friends होंगे जो मुझे देख रहे हैं, उन्हें भी ये problem होती होगी hair fall की. So बहुत कुछ try करके देख लिया but hair fall जो है वो जाती ही नहीं है. और hair fall के साथ साथ एक tension भी आ जाती है यार कि इतने सारे बाल झड़ रहे हैं, क्या करें. सारे रिसर्च और बहुत सारे रिव्यूज़ पढ़ने के बाद एक कंक्लूजन में आई हूँ ताकि मैं अपने हेयर को अच्छे से मेंटेन भी रख पाऊँ. सो फिलहाल मैं अपने हेयर पे जो भी ऑयल यूज़ कर रही हूँ, लाइक अगर मैं ऑलिव ऑयल यूज़ कर रही हूँ, मैंने पहले भी मेंशन किया है कि मैं कैसे यूज़ करती हूँ, तो उन ऑयल्स के साथ इन इस तरह के जो भी मैं प्रोडक्ट्स ली हूँ वो मैं आपको बता रही हूँ. तो ये स्पेसिफिकली मैं अपने हेयर्स के लिए ली हूँ, ये तीनों के तीनों. और ये मैंने पर्पल से लिया है, गुड वाइब्स के. तो सबसे पहला जो ऑयल मैं ली हूँ वो है रोजमेरी ऑयल. और ये रोजमेरी एसेंशियल ऑयल जो है इसमें इनका बेनिफिट लिखा गया है कि इट स्ट्रेंथन हेयर्स एंड फाइट अगेंस्ट डैंड्रफ, रीवाइटलाइजेस सेंसेस, प्लस ये आपके बालों को थिकर एंड स्ट्रॉन्गर बनाने में हेल्प करता है जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सॉरी. क्योंकि मॉनसूनस या गर्मी में क्या होता है, मैं स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है और स्वेटिंग के वजह से स्कैल्प में भी पसीना रह जाता है. इसके वजह से हमारा जो फॉलिकल्स है वो वीक हो जाता है. उससे क्या होता है कि हमारा हेयर फॉल ज़्यादा होता है. तो अगर आप जैसे आप एक्सरसाइज भी कर रही हैं या जिम जाती हैं तो आपके भी बालों में स्वेटिंग होती है. तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम अपने हेयर को हेयर केयर करें प्रॉपरली. तो इसी वजह से मैंने ये तीन ऑयल लिए हैं. फर्स्ट है रोजमेरी, देन सेकेंड इज़ दी सडारवुड, वन इज़ दी लेवेंडर एसेंशियल ऑयल. सो ये मैंने 30 ml ऑफ बॉटल लिया है. तो गुड वाइब्स की ये पैकेजिंग आपको पता ही होगी, इस तरह का कार्डबोर्ड पैकेजिंग आता है. सिंपल सा पैकेजिंग है कार्टून का और यहाँ पे पीछे आपको हाउ टू यूज़ दे दिया गया है, आप किस तरह से इसे यूज़ कर सकते हैं. सिर्फ 3 से 4 बूंद ज़रूरत होती है और इसे आप किसी भी अपने कैरियर ऑयल, चाहे आप कोकोनट ऑयल यूज़ करें, ऑलिव ऑयल यूज़ करें, अनियन ऑयल यूज़ करें, किसी भी तरह के ऑयल यूज़ करें आप. ये स्पेशली आप रात को लगाएं और रात भर छोड़ दें ताकि नेक्स्ट डे जब आप मॉर्निंग में वॉश करें हेयर तो आपके हेयर में काम करेगा. सो मैं आपको खोल के दिखाती हूँ. द प्रोडक्ट इज समवट, और ये प्रोडक्ट ऐसा है, ये 30 ml ऑफ प्रोडक्ट है. इसका 10 ml भी वर्जन था बट मैंने रोजमेरी का 30 लिया है. इसके बाद लैवेंडर ऑयल है, ये भी आपके हेयर के लिए बहुत अच्छा है. प्लस लैवेंडर ऑयल के और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं. वो भी का एक और बेनिफिट है, जैसे कोई भी नाइट क्रीम या सीरम आप यूज़ कर रहे हैं तो आप लैवेंडर ऑयल को यूज़ कर सकते हैं अपने सीरम या अपने नाइट क्रीम के साथ. और बिल्कुल 1-2 ड्रॉप ले लीजिए और उसके बाद अपने स्किन पर जैसे नॉर्मल मॉइस्चराइज कर लेते हैं अपनी स्किन को, बिल्कुल वैसे ही कर लीजिए. आपके स्किन में पिगमेंटेशन या डलनेस या डार्कनेस जो भी है ये भी उसमें उतना ही वर्क करता है. सो ये भी बहुत अच्छा है. तो मैं 1-2 ड्रॉप अपनी नाइट सीरम में इसे यूज़ करती हूँ और सिर्फ नाइट के टाइम पे ही यूज़ करती हूँ क्योंकि डे टाइम पे अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो इस तरह का कोई भी ऑयल अपने फेस पर ना लगाएं. फेस पे मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आपको रात में ठीक से नींद नहीं आती है या आपको लाइक इंसोमनिया बोलते हैं जिनको नींद नहीं आती है रात को ठीक से, या हेडेक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, इसे भी आप अपने हेयर के लिए यूज़ कर सकते हैं. तो जब मैं अपना ऑयल का वो तैयार करती हूँ तो उसमें मैं 3 से 4 बूंद रोजमेरी डाल देती हूँ, 3 से 4 बूंद लैवेंडर ऑयल और 3 से 4 बूंद सडारवुड ऑयल. ये भी हेयर के लिए है
और ये हेयर ग्रोथ, इसका भी बेनिफिट अगर लिखा हुआ है कि इट हेल्प्स इन हेयर ग्रोथ, रिड्यूसेस स्किन इरिटेशन, क्लीन्स आउट टॉक्सिन, स्टिमुलेट ब्लड सर्कुलेशन. सो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप अपने हेयर के लिए एसेंशियल ऑयल ढूंढ रहे तो जस्ट यू कैन गो फॉर दी रोजमेरी, लेवेंडर, सेडारवुड एंड इवन पेपरमेंट ऑयल. ये सारे ऑयल यूज़ किए जाते हैं हेयर ग्रोथ के लिए. एंड इसका जो स्मेल है, क्लोव ऑयल होती है ना गाइस, क्लोव ऑयल की तरह स्मेल कर रही है ये. उसके बाद मैं एक और प्रोडक्ट ली थी गुड वाइब्स का ही, वो है ऑरेंज रिंट पाउडर, और ये फेस पैक पाउडर है गाइस, और ये कुछ इस तरह से दिखता है. ठीक है, ये ऑरेंज जो पील होता है ना, उनको अगर आप सुखा के जो बनता है, स्पेशल ऑरेंज के जो छिलके होते थे उन्हें सुखा के उन्हें पीस के दिन स्किन में लगाया जाता है. सिचुएशन में ये नहीं हो पाता है क्योंकि पहले तो ऑरेंज का जो पील है ना वो सूखने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, प्लस गंदा भी हो जाता है. तो उससे अच्छा है कि हेल्दी तरीके से आप इस तरह का कुछ यूज़ कीजिए अपनी स्किन में. और गुड वाइब्स एक से एक प्रोडक्ट लेके आ रहा है, सो मैं पहली बार ही सही बट ये ट्राई कर रही हूँ एंड होप सो कि ये एक अच्छा काम आए. एंड मैं इसे यूज़ की हूँ और कैसे यूज़ की हूँ इसके ऊपर भी मैं बहुत जल्दी एक वीडियो बनाऊँगी, तो आप मेरे वीडियो को देखते रहिए ताकि आपको इसका भी एक रिव्यू मिल जाएगा. दैट वॉज ऑल फॉर टुडे. थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग द वीडियो. सो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. लव यू ऑल गाइस, सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय.